विस्कोसिटी, 58 नंबर शीट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमने कुछ क्वेश्चन इसके किए भी थे जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर, आपको याद होगा हमने विस्कोसिटी का प्रॉब्लम किया था, दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में स्पीड कितनी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये डीवी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लेयर के बीच में 0.1 सेंटीमीटर है। इस पूरे असाइनमेंट्स में एक चीज का ख्याल रखना है और यूनिट्स कन्वर्जन। तो ये डीवी डीएक्स गिवन है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डीवी बाय डीएक्स, तो डीवी पता है, डीएक्स पता है, आंसर तुम्हारा हो गया था, ये हो गया। जैसे सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस 5 है, तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर। रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 2 mm थिक, 2 mm थिक का मतलब क्या गिवन है, डीएक्स गिवन है, जिसका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, 15.5 पॉइस, तो ईटा क्या गिवन है, 15.5 पॉइस, पॉइस कौन सा यूनिट है, सीजीएस, तो यानी कि सब कुछ सेंटीमीटर में चलने, तो फिर तो क्या निकालना है, कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए ताकि इस शीट की इसकी वेलोसिटी क्या हो, 5। अब जो आप फोर्स लगाओगे वो ओवरकम किसे करेगा, फ्रिक्शन को, तो अगर मैं फ्रिक्शन बता दूं लिक्विड की कितनी है, तो वही फोर्स आप अप्लाई करोगे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो इसमें एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क पता है जिसको खींचना है, ईटा आपको पता है, डीवी, अब जब ये ऑयल की फिल्म है इसकी लोअर पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, 0, और प्लेट की वेलोसिटी 5 है, तो डीवी क्या होगा, 5 - 0 यानी कि 5, और डीएक्स आपको थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है, पुट करके आंसर आएगा। आ गया था आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस विस्कोसिटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया भी था एग्जांपल। फिर मैंने बताया था एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया, सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें, इसका आंसर हाँ 75 पॉइंट्स आ रहा है, गलत है उसमें 75 आ रहा है, नहीं मेरे को लगता है नहीं आ रहा, 75 आ रहा है पॉइंट्स, इसमें डाउट, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, कितनों का हो गया, फोर्थ डाउट है, एक एरिया गिवन है मीटर स्क्वायर में, लिक्विड लेयर की थिकनेस गिवन है डीएक्स मीटर में, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 120 पॉइस, इंपॉर्टेंट, ये चल रहे हैं मीटर में, पॉइस चल रहा है सीजीएस में, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करो, 10 हटा दो तो डेका पॉइस, तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइस सीजीएस है, डेका पॉइस एसआई है, तो डीवी आपको पता है स्पीड, डीवी की वैल्यू 0.025, बस यहां पर फॉर्मूला लगा लो, फोर्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ठीक,